नहीं, कांग्रेस का एक बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा, इसमें क्या दुविधा है? तो हमारा नंबर है, एमएलए हैं, उनको रायपुर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एमएलए ट्रेनिंग पे गए हैं, सारे एमएलए रायपुर में हैं, डर सता रहे हैं। कांग्रेस का एक बीजेपी का बनेगा, एक कांग्रेस का बनेगा, इसमें क्या दुविधा है? तो हमारा नंबर है, एमएलए हैं, उनको रायपुर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एमएलए ट्रेनिंग पे गए हैं, उदयपुर के फैसले में तेरे को बताना जरूरी नहीं है सबको, ट्रेनिंग गए हैं उदयपुर में, ये हुआ था, सबको ट्रेनिंग देनी है, ब्लॉक लेवल पे तक भी आएंगे, पहले एमएलए को देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि राहुल गांधी से बात करके ही वो अपना फैसला करेंगे। ठीक है, कर लेंगे बात, कांग्रेस पार्टी के सदस्य है वो, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, बात करनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी जो कार्तिक शर्मा, उनका ये कहना है कि वो राज्यसभा के प्रत्याशी बने हैं और उनको जो वोट है वो विधायकों ने देना है, ये कारनामा करके जो है आप उनका क्या कारनामा, क्या कारनामा रिजोर्ट में ले जाकर, मतलब वो कह रहे हैं कि संवाद जो है वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं विधायकों से, वो वोट मांगने का जो उनका अधिकार है वो संवाद नहीं कर पा रहे। संवाद संवाद करें, कौन रोक रहा है उनको? टेलीफोन है सबके पास, करें बात और वहाँ चले जाए, रायपुर चले जाए, किसी ने मना किया? वहाँ वहाँ जाने से कोई मना थोड़ी कर रहा है। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो गांव में जाता हूँ ना वोट मांगने, चले जाए रायपुर जहाँ पर वोट रहे। तो आप कब जाएंगे रायपुर? मैं जाऊँ ना जाऊँ कोई बात है, ये तो मेरी इच्छा है। बाकी विधायक तो वहाँ चले गए, लेकिन किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और चिरंजीवी राव, नहीं चिरंजीवी राव तो वहीं है, कल चला गया वो, चिरंजीवी राव चला गया, और किरण जो है ना वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी लेडी है नहीं गई कोई बात। अभय सिंह चौटाला भी एक अलग से एमएलए है तो भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं, तो वो बताएं, वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को? बीजेपी या जब इनका चुनाव था जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, किसान यूनियन की मदद करने जा रहे थे, अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं, संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का है, मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको फैसला करें, नेता है यार, मतलब अपने आपको यूँ कहते मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। तो क्या आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मत? मैं क्यों बात करूँ, उम्मीदवार बात करेंगे। सर आप कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता हैं हरियाणा विधानसभा में, तो क्योंकि कैंडिडेट आपका है तो क्या आप लोग? वो तो कैंडिडेट सबको अपील कर चुका है, 90 के 90 एम एल ए को, उसने 90 के 90 एम एल ए को अपील की है, अभी मेरे को वोट दो। सारी बात आपको नहीं बताऊंगा। राजस्थान से गए हरियाणा से, ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, ये कमांड फैसला करती है राज्यसभा में। कहा राज्यसभा चुनावों की चर्चा चल रही है, एक दौर में जब मुख्यमंत्री थे टिप्पणी आपने की थी कि घोड़े दो तरह के होते हैं, रेस के घोड़े और एक बरात के घोड़े, क्या आप उस टिप्पणी पर भी कायम है? कौन से किसी व्यक्ति के लिए किसी के व्यक्ति के लिए टिप्पणी नहीं दी है मैंने, ये आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डाल सकते आप, समझे? मेरे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, ये तो एक नॉर्मल बात बताई, होते ही है, एक जंगी घोड़ा होता है एक। देखिए आम आदमी पार्टी को पहली दफा तो आ नहीं रही है, आम आदमी पार्टी तो जब यहाँ विधानसभा का चुनाव था सारे चुनाव लड़ी थी, लोकसभा भी लड़े थे, अपनी उपस्थिति कहीं दर्ज नहीं करा सके। सवाल इस बात का है पंजाब से, कहते पंजाब सब स्टेटों की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है, पंजाब में नंबर दो थी विकल्प, वो था विकल्प आम आदमी पार्टी थे, उनके एमपी भी थे, उनका विपक्षी नेता भी था, यहाँ विकल्प केवल कांग्रेस है।